देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अपन को बच्चों में इस बीमारी को रोकना है, और सबसे उत्तम सबसे सरल उपाय है कि जिसके थ्रू हम बच्चों में बीमारी रोक सकते हैं, वो है कि माता पिता जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। अगर माता पिता और दूसरे वयस्क जो फैमिली में अगर उनको कोरोना नहीं होगा तो बच्चों को भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अभी ना तो स्कूल जा रहे हैं, ना कोचिंग जा रहे हैं, ना बाहर गार्डन में खेलने जा रहे हैं, ना बाहर निकलते हैं किसी भी कारण से। तो उनको संक्रमित होने का केवल एक ही कारण है, घर के वयस्क, तो वो वैक्सीनेट करा रहे हैं। और इसी यही एक उपाय है कि हम बच्चों में जो दूसरी तीसरी लहर जिसको हम आशंका कर रहे हैं कि उसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, अगर पेरेंट्स वैक्सीनेट हो जाएं तो बच्चों की तादाद और बच्चों के बीमार होने की संख्या कम हो जाएगी। सर, बात करें तो प्रदेश के कितने बच्चे अभी लगभग इस बीमारी से संक्रमण है? प्रदेश का तो नहीं मालूम, पर एक रफ अनुमान से इंदौर में कम से कम 50 से 60 बच्चे MIS की बीमारी से इन्वॉल्व थे अभी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।